नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत मुक्त, नशा मुक्त भारत के संकल्प के अंतर्गत पिछले कुछ समय से अंडमान निकोबार पुलिस ने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स की पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं हम लोग, और मकसद एक ही है कि इस द्वीप समूह को नशा मुक्त बनाना। इसके तहत चाहे तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे हमारा नारकोटिक सेल हो, सब लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और वो सब आपके सामने ही है। उसी क्रम में कल एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक दिल्लीपुर में रहने वाला व्यक्ति कलकत्ता से बड़ी मात्रा में गांजा लेके आ रहा है। हमने उसको फॉलो किया एयरपोर्ट से। ये आदमी एक होटल में जाके रुका, उसके साथ इसका एक एसोसिएट भी था। रात में वहाँ रेड की, जब उसके पास से गांजा बरामद हुआ तो उसको अरेस्ट किया। इस व्यक्ति का नाम अनिमेश इज्जतदार है, दिल्लीपुर का रहने वाला है, और जो इसका साथी था वो भी दिल्लीपुर का ही रहने वाला है, बच्चा दास। इनके पास से 7.246 लगभग 7.25 किलो गांजा बरामद हुआ, जो कि ये कलकत्ता से खरीद के लाए थे। इस विषय में हम लोग आगे भी काम कर रहे हैं, कलकत्ता भी एक टीम भेज रहे हैं ताकि इसके सोर्स को पकड़ा जा सके, और एक और इसका फाइनेंसर जो भी बचा हुआ है उसके ऊपर भी कल से टीम्स काम कर रही हैं, और जैसे ही हम उसको पकड़ेंगे उसको भी आपके समक्ष लाया जाएगा। अनिमेश इज्जतदार का जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता लगा कि ये 2018 में भी पुलिस स्टेशन कालीघाट में पकड़ा गया था नारकोटिक्स के साथ, तो इसका पुराना रिकॉर्ड भी है। और ये मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ कि इसको हम केस को, जैसे पहले केसेस में हमने कोशिश की है लिंकेजेस को एस्टेब्लिश करने की, इसके जितने भी बकाया साथी हैं या फाइनेंसर हैं तो सभी को हम पकड़ेंगे। इसके अलावा एक छोटी इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करनी थी। अभी 29 नवंबर को हम लोगों ने एक केस किया था, आपके पास उसकी खबर भी दी गई थी, जिसमें गोलघर के रहने वाले कुलदीप सिंह नाम के व्यक्ति को पकड़ा था 32 ग्राम मैथ के साथ, मेटामर्फिन के साथ। जब हमने उसके कॉन्टैक्ट्स की, उसके टेलीफोन की जानकारी, उसके बैंक अकाउंट की जानकारी ली, तो पता लगा कि वो उसका नाम सलीम बिरला है। सलीम पहले सलीम पहले अरेस्ट हुआ, हाँ, कुलदीप अब हुआ, कुलदीप उसके एसोसिएट है। तो जब हमने जो 29/11 को केस हुआ था उसमें जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था उसका नाम था सलीम बिरला। सलीम बिरला के रिकॉर्ड्स को चेक करके पता लगा कि ये कुलदीप सिंह नाम का व्यक्ति है, जो इससे मैथ खरीदता भी है, खुद भी इस्तेमाल करता है और आगे भी बेचता है। तब से 29 तारीख से हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही थी। कल हम लोगों ने सलीम बिरला, कुलदीप सिंह को भी अरेस्ट किया है। कुलदीप सिंह गोलघर का रहने वाला है, 27 साल उम्र है, उसकी प्रेस लिस्ट दे रहे हैं मतलब से आपको। तो इस बात को भी बताने का मकसद ये है कि हम किसी केस को मात्र एक व्यक्ति के अरेस्ट या सीजर तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं, उसके बचे हुए साथी, उसकी लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस, कहाँ से ला रहा है और कहाँ भेज रहा है, उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि हम इस बीमारी पर पूरी रूप से काबू पा सकें। तभी होगा सर, तो आपके सहयोग से ही होगा। आपने देखा होगा पूरी नमान पुलिस पूरी शिद्दत के साथ इस काम पर लगी हुई है। उसमें हम काम कर रहे हैं, वो भी हम लोग कर रहे हैं, एक एक आदमी का उसमें भी हम काम कर रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट का एक प्रोविजन है जिसमें कि नारकोटिक्स से कमाई गई प्रॉपर्टी को भी सीज कर लेने का प्रावधान है, तो सारे केसेस में हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। और मैं पुनः एक बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जैसे पहले भी किया, और कई केसेस में यहाँ नाम नहीं मैं बता सकता, आप लोगों ने हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, सहयोग भी दिया, तो मैं उसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोगों के माध्यम से नारकोटिक्स के संदर्भ में या किसी भी प्रकार की ऐसी सामाजिक बुराई या क्राइम के संदर्भ में जहाँ आप चाहते हो पुलिस का इंटरवेंशन हो, उसकी सूचना हमारे तक आएगी तो उसका हार्दिक रूप से स्वागत किया जाएगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।